जनता के सुख दुख में जो शामिल ना हो ऐसे सांसद से क्या मतलब? सांसद सोनिया जी रही यहाँ, लेकिन आज तक हम लोगों ने उनसे कभी देखा ही नहीं। उनको वायनाड से भय लग रहा है इसलिए वो यहाँ पे आए हैं। अगर उनको वहाँ से संतुष्टि होती तो हम क्यों आते हैं? ये जो 60 साल की गुलामी है इससे हम लोग अब मुक्ति चाहते हैं, अपने बीच का सांसद चुनेंगे। राहुल गांधी या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी किसी के सुख दुख में आज तक आई है? जो है रायबली नहीं आई है तो अब की रायबली की जनता उनको नकार रही है। मोदी सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में जो किया है, आजादी के बाद से इतना काम कभी नहीं हुआ है, इतिहास में कभी इतना काम नहीं हुआ है। मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। रायबरेली में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर अमित शाह जी का जन संबोधन हुआ है, जनसभा की गई है। तो चलिए लोगों के बीच ही चलते हैं और जानते हैं इस बार रायबरेली की जनता का मूड क्या है। वोट करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहिए और किस आधार पर? रही बात आधार की, तो पिछले 10 साल के कार्यकाल से हमें नहीं लगता आप लोग को पूछना चाहिए किस आधार पे। बढ़ता हुआ हमारा सुरक्षा बल देख लीजिए, हमारे सैनिकों के लिए बढ़ता हुआ आप फंड देख लीजिए, हमारी महिलाओं के लिए बढ़ती हुई जो है सुविधाएं आप देख लीजिए, शौचालय की सुविधाएं देख लीजिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए हमारे 3 तलाक से मुक्ति देख लीजिए आप, हमारे बुजुर्गों के लिए आप देख लीजिए कि पहले जो है वृद्धा पेंशन कम आया करती थी, वृद्धा पेंशन में लगातार बढ़ावा आप देख लीजिए, युवाओं के लिए लगातार नई नई जो है योजनाएँ देख लीजिए आप, किसानों के लिए हमेशा जो है मैंने देखा है पिछले जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि किसान सम्मान निधि आएगी, ऐसी पहली योजना मैंने देखी है कि जो शुरू हुई तो बंद नहीं हुई, लगातार जो है आ रही और नियंत्रण समय से आ रही है। क्या लगता है मोदी सरकार का सबसे बढ़िया काम क्या रहा? बहुत सारे काम, जैसे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, अपराध पूरी तरह से खत्म हो गया, अपराध तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं भी नहीं, पूरे देश में अपराध नहीं। रायबरेली की मिट्टी में जन्मा है वही बेटा आपके सांसद बनेगा। बहुत काम अच्छे हैं उनके, रोड भी बनवाया, राशन भी देते हैं, गरीबों को सेवा भी करते हैं। मोदी सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में जो किया है, आजादी के बाद से इतना काम कभी नहीं हुआ है, इतिहास में कभी इतना काम नहीं हुआ है। जितनी जमीन पे काम दिख रहा है, चाहे रोड का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, हर घर नल योजना, हर गरीब को घर, हर गरीब को राशन, ये काम मोदी सरकार ही कर सकती है। मोदी सरकार से सभी काम रहे अच्छा है। राम मंदिर का हमारे लोग निर्माण कर दिए हैं, जितना भी काम हो रहा है, आज की जो महिलाएं लोग हैं, रात बिरात निकलने कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम को नहीं है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मोदी सरकार से उम्मीद है, सरकार से बड़ी उम्मीद है। शासन सही, प्रशासन सही। कहते हैं कि बच्चों को नौकरी नहीं मिली, बच्चों को नौकरी कौन मिले? पेपर लीक कौन करता है? उन्हीं के जो आदमी बैठे हुए हैं वही पेपर लीक कर देते हैं कि जो मोदी सरकार की साख गिरे और तो वो गंदा हो और मोदी सरकार ना आए, ये है। विदेश जो है, विदेश में नाम है, हमारा देश विकसित होगा। मोदी के साथ जो कार्यकाल में विकसित हुआ, किसी के कार्यकाल में विकसित नहीं हुआ। और भारत का जो है, मोदी का शासन रहेगा तो भारत जो है विश्व में नंबर एक पर आएगा। सब लोगों को एक समान देखा जाता, छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग एक ही समान देखा जाता मोदी सरकार में। मोदी सरकार को वोट कर रहे क्यों? अब उन्होंने विकास किया है। कांग्रेस सरकार जीतने के बाद 5 साल प्रमाण पत्र लेने नहीं आई, क्या गारंटी जीतने के बाद फिर 5 साल बाद आएंगे वो? इस बार रायबरेली की जनता क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही। आदमी के सुख दुख में, जनता के सुख दुख में जो शामिल ना हो ऐसे सांसद से क्या मतलब? सांसद सोनिया जी रही यहाँ, लेकिन आज तक हम लोगों ने उनसे कभी देखा ही नहीं। दिनेश प्रताप जी छोटे बड़े, अमीर गरीब, ऊंच नीच सबके घर जाते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं, इसलिए अब की बार दिनेश प्रताप सिंह। ये क्या कहना चाहेंगे, कुछ असर पड़ रहा है कांग्रेस का? नहीं मैम, कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि पिछले काफी समय से मुनि को देख रहे हैं, उन्होंने कोई परिवर्तन तो किया नहीं है। कोई परिवर्तन अगर वो करती तो उससे प्रभाव भी पड़ता। सोनिया गांधी जी 5 साल पहले जीती थी, एक बार भी नहीं आई, ना ही प्रियंका जी दिखाई पड़ी। चुनाव के टाइम आते हैं वो लोग, तो ऐसे लोगों को क्या मतलब है? राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो पहले वो वायनाड में थे, अब वो फिर से रायबरेली भी आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनको वायनाड से भय लग रहा है इसलिए वो यहाँ पे आए हैं। अगर उनको वहाँ से संतुष्टि होती तो हम क्यों आते हैं? चले जाएंगे फिर 5 साल बाद आएंगे रायबरेली, इसके क्योंकि माननीय सोनिया गांधी जी सांसद बन के गई थी, उसके बाद नामांकन में आई है, नामांकन से नामांकन फिर ये लोग करने आएंगे, उसके बाद यहाँ रायबरेली मुड़ के कभी कोई नहीं देखेगा। मोदी सरकार से उम्मीद है आपको? मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है। सोनिया गांधी जी पिछले 5 साल नहीं, हम किसी अगर जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं तो उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो 5 साल में आए और हमारे सुख दुख में भागीदार हो, लेकिन माननीय सोनिया गांधी 5 साल अपने नामांकन के बाद अपने बेटे के नामांकन में आई, इसीलिए अब हमको फिर से राहुल गांधी को भरोसा नहीं,
अगर राहुल गांधी जी यहाँ से जीतेंगे वायनाड चले जाएंगे, ये भरोसा नहीं। हम लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते। ये जो 60 साल की गुलामी है इससे हम लोग अब मुक्ति चाहते हैं, अपने बीच का सांसद चुनेंगे। कांग्रेस का सफाया यहाँ पे तय है, कांग्रेस यहाँ से हटने वाली है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी किसी के सुख दुख में आज तक आई है? जो है रायबरेली नहीं आई है, तो अब की रायबरेली की जनता उनको नकार रही है। रायबरेली गढ़ रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार जीतते आए हैं, क्या कहेंगे? अगर रायबरेली का गढ़ था तो 5 साल कहाँ थे? अमेठी से हारने के बाद दोबारा ना रायबरेली दिखाई पड़े ना अमेठी में दिखाई पड़े। अब इलेक्शन आया तो अब दिखा रहे हैं, इसके पहले भी आ सकते थे, सुख दुख में खड़े हो सकते थे। कोरोना काल में कहीं दिखाई पड़े कोई दिखाई? हमको सांसद ऐसा चाहिए जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। 2013 में मैं गया और राहुल के यहाँ भी गया और सोनिया के भी यहाँ गए। ये हमारे यहाँ की सांसद थी सोनिया गांधी, मुलाकात नहीं किया और दिल्ली में गया, दिल्ली गया और कार्यालय गया। 5 दिन मैं कार्यालय में रहा, न सोनिया आए न राहुल आए। अब जब से ये राहुल सोनिया आ गए कोई नहीं, रायबरेली का कोई ध्यान नहीं। 5 साल सोनिया सांसद रही, कभी रायबरेली में पैर नहीं रखा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रायबरेली हमारा परिवार है। रायबरेली परिवार उनका कभी था, अब रायबरेली उनका परिवार नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अब रायबरेली से राहुल गांधी जीतेंगे और साथ ही ये भी कहा कि 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है उससे आत्मनिर्भर थोड़ी ना होगा। आत्मनिर्भर नहीं, जो मिलता है 10 आदमी है तो उसको 5 किलो 25 किलो हो गया, 50 किलो हो गया, जिसके 4 है उसको 20 किलो हो गया और हमको 1 किलो नहीं मिलता। हमको कितना चाहिए? हम काल में जब हाँ। लोगों के पास 500 ग्राम राशन नहीं था घर पे, परदेश से भगे, उस समय सांसद सोनिया गांधी जी ही थी। प्रियंका जी से पूछो, जब लोग दिल्ली से भूखे नंगे बेचारे कोरोना काल भगे, उनके लिए 500 ग्राम आटा ही कीमती था और आज केंद्र सरकार 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दे रही है, तो वो प्रियंका जी करे भीख का राशन है, मतलब अधिकार नहीं है पब्लिक का, भीख का राशन कहती है। उनका समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे किस तरह बात करते हैं, भाई तो वक़्त कहते हैं कुत्ते को भीख डाली जा रही है। अब रायबरेली की जनता कुत्ता है, उसे पूछे जो यहाँ रायबरेली में उनका लुधवारी में लगा था प्रोग्राम प्रियंका जी का, आरपी के उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे, मेरे पास ये मोबाइल टच रहे थे, आपको मेरी रिकॉर्डिंग दिखा दे भी, कि रायबरेली के लोग की जनता को कुत्ते की तरह भीख डाली है 5 किलो राशन। अगर मैं रायबरेली की बात करूँ तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए माताजी उनकी थी, माताजी ने उनके जो है यहाँ पे जो काम किया है उससे ना तो कांग्रेस की ही जनता ना ही भारतीय जनता पार्टी की ही जनता, कहने को अगर हम उसको पॉलिटिकल्स में डिवाइड करते हैं तो उसके बाद भी कोई जनता उनसे संतुष्ट है नहीं। आपको सांसद चुन दिया जाता है, आप बैठती हैं लोकसभा में, वहाँ से आप विदेशों का दौरा करेंगी, अपना जो है निजी कार्य करेंगे, लेकिन आप जो है कभी अपने जनता के बीच में आ करके जनता का हालचाल नहीं पूछेंगी।